आइए हम समझते हैं स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर के से रिलेटेड हमारे पास है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। किसी भी जो ग्रुप है हमारे पास दोस्तों, उस ग्रुप का सारे कलेक्शन, ऐसे कलेक्शन जो क्या हो, ऑटोमॉर्फिज्म हो, उसका हम कलेक्शन लेंगे और उस कलेक्शन को हम बताएंगे कि वह भी एक ग्रुप बन सकता है। ठीक है, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इसको जो बोलते हैं हम बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। क्या कहेंगे स्टूडेंट? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप बोलते हैं या ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं समूह स्वकारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह स्वकारिता पढ़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसको हम समझते हैं। ठीक, पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे हैं। ये थ्योरम के रूप में आएगा दोस्तों, और इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, या फिर बोला जाता है प्रतिचित्रणों का स्वकारिता का कलेक्शन जो होता है, वह सेट जो होता है या समुच्चय जो होता है वो हमेशा ग्रुप होता है। उसके लिए ऑपरेशन जो होता है वह ऑपरेशन होता है प्रतिचित्रणों का संयोजन। मतलब वहां पे संयोजन जो हमारा होता है, हम लोग सभी जानते हैं मैपिंग में संयोजन होता है ना, उस संयोजन के लिए जैसे हम एफ कंपोजिशन जी लिखते थे या जी कंपोजिशन एफ लिखते थे, उस टाइप का जो कंपोजिशन होता है उसके जो रूल होते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग ये जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप होता है वह एक ग्रुप बनाता है, ऐसा हमको समझना है और ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते कैसे हैं उसके बारे में समझते हैं। पहले तो हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे टी का कलेक्शन है स्टूडेंट जहां टी सच दैट जी से जी, एंड यहां पे ये जो टी है स्टूडेंट, टी इज ऑटोमॉर्फिज्म या फिर कहेंगे स्वकारिता है। क्या है स्टूडेंट? स्वकारिता है, ऐसा कलेक्शन यहाँ पे हम इसको बोलेंगे स्वकारिता है, इस चीज का कलेक्शन है। ठीक, समझ में आया? अब देखिए टी जो है स्वकारिता है, इसका हमारे पास ये बहुत सारे जितने भी, मतलब हमारे पास ग्रुप में कोई भी ग्रुप लेते हैं, उस ग्रुप में जी से जी में मैपिंग करने वाला वन वन एंड टू फंक्शन जितने भी होते हैं, वन वन एंड टू फंक्शन वाला जितने भी होते हैं, उन सारे कलेक्शन जो होगा वो ऑटोमॉर्फिज्म वाला, जितने कलेक्शन होंगे वो सब जो है किसमें आएंगे? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में आएंगे। मतलब जो संयोजन होगा वो मैपिंग जो होगा वही मैपिंग ही क्या रहेगा, वही सब मैपिंग का कलेक्शन ही क्या रहेगा, ऑटोमॉर्फिज्म जी में आएगा। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म जी जो है वह ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो इस ऑटोमॉर्फिज्म जी को ग्रुप बनाने के लिए पहले चीज ये होना चाहिए स्टूडेंट कि यह जो ऑटोमॉर्फिज्म जो जी है वह पहले तो हमको नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई मेंबर मौजूद होना चाहिए। अब यदि कोई ना कोई मेंबर मौजूद होता है तभी हम बताएंगे, आगे प्रूव करेंगे कि वह ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम सभी जानते हैं है ना कि ग्रुप बनाने के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम एक मेंबर तो मौजूद होना चाहिए, एक से अधिक भी हो सकता है लेकिन मिनिमम एक भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें कम से कम एक मेंबर तो होना ही चाहिए तभी वो ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो हम इसमें एक मेंबर ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो उस मेंबर के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। किसी भी ग्रुप के लिए हम सभी जानते हैं, कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए, उन सारे ग्रुप के लिए आइडेंटिटी मैपिंग एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। ठीक है, क्या एग्जिस्ट करता है? आइडेंटिटी मैपिंग एग्जिस्ट करता है, और आइडेंटिटी मैपिंग एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, किसी भी ग्रुप के लिए आई सच दैट जी टू जी के लिए हम बोलेंगे तो आई इज ऑटोमॉर्फिज्म, या फिर हम बोलेंगे आई जो है ऑटोमॉर्फिज्म है या स्वकारिता है, ऐसा कहेंगे आई एक स्वकारिता है। तो यदि ये स्वकारिता है स्टूडेंट तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि आई एक ऐसा मैपिंग है जो हमेशा कम से कम एक मेंबर आई तो ऐसा जरूर रहेगा जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप में मौजूद रहेगा। इससे ये पता चला कि आई जो है वो बिलोंग करता है कहां पे, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में बिलोंग करता है या
इस ग्रुप में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस ग्रुप में यदि बिलोंग करता है तो हमको ये समझ में आ गया ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप में कम से कम एक मैपिंग तो ऐसा जरूर होगा जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा या स्वकारिता होगा, ठीक है। तो वो कौन सा मैपिंग होगा जो कि आई है, क्या है आई है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो आई है वह जो है इसमें बिलोंग करता है, और जो कि ये जो होता है आई की बारे में बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये बता दिया कि ऑटोमॉर्फिज्म जी में एक मेंबर तो है, इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी है, मतलब कुछ ना कुछ तो मेंबर यहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे ग्रुप में कुछ ना कुछ मेंबर तो मौजूद है, तो ये हमको पता चला, ठीक है। अब इस ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप को हमको क्या बताना है, इसको हमको ये बताना है ये पूरा समूह बनाएगा, क्या बनाएगा, एक समूह बनाएगा। और समूह बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज मौजूद होना चाहिए, क्या क्या चाहिए हमको। तो एक तो हमको क्या चाहिए स्टूडेंट, हमको तो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, एक तो संवरक नियम, दूसरा साचर्य नियम, तीसरा जो होता है वह है तत्समक नियम, और चौथा जो होता है प्रतिलोम नियम। तो ये चारों नियम जब वो सेटिस्फाई करेगा तभी वो कहलाएगा ये जो ऑटोमॉर्फिज्म जी जो लिखा हुआ है वह जो है वो हमारा ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं, पहला बात हमको पहले इस ऑटोमॉर्फिज्म जी के लिए हम पहले जो प्रूव करते हैं संवरक नियम या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। किस प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं। देखिए ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप का कोई दो मेंबर लेके चलेंगे और उस दो मेंबर के कंपोजिशन जो भी हम देंगे तो वह जो कंपोजिशन जो होगा वह भी इसी ग्रुप में मौजूद होगा स्टूडेंट, ठीक है। यह जो ग्रुप होगा वह भी इसमें मौजूद होगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ये कंपोजिशन में बार बार कंपोजिशन बोल रहा हूँ, संयोजन बोल रहा हूँ, वो क्या चीज है ये मैं आपको बता दूं। तो जैसे आप कोई भी ग्रुप पढ़ते हैं स्टूडेंट, मैपिंग पढ़ते हैं, तो एक एफ मैपिंग होता है और एक जी मैपिंग होता है, और यह जो मैपिंग है उसके लिए हम एक कंपोजिशन डिफाइन करते हैं, एफ कंपोजिशन, जी जो होता है वो इस टाइप का एफ और जी एक्स, ऐसा हम पढ़े हैं स्टूडेंट, जिसको हम संयोजक कहते हैं, प्रतिचित्रणों का संयोजन ऐसा कहा जाता है। तो इसी टाइप से क्या होता है T1 T2 मतलब इस ग्रुप के जितने भी मैपिंग होंगे, यहाँ पे F है, बाकी हम इसके लिए जब T का यूज करेंगे तो हम T1 T2 के रूप में लेंगे उसको, तो उस कंडीशन में यहाँ पे T1 T2 आ जाएगा, और यहाँ पे T1 कंपोजिशन T2 लिख सकते हो या T1 T2 X आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके लिए X इमेज ये जो है ऑलवेज डिफाइंड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हमको बता दिया है, अब हम बताएंगे कि ये संवरक नियम सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ये हम बताने वाले हैं। देखिए कैसे बताएंगे, तो चलिए सबसे पहले तो चूंकि हम लेके चलते हैं दो मेंबर, चूंकि T1 एंड T2 जो है बिलोंग करता है ऑटोमॉर्फिज्म जी में बिलोंग करता है, ऐसा लेके चले दोस्तों, ठीक है, ऐसा लेके चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो T1 T2 है वह स्वकारिता है, वो क्या है, स्वकारिता है या ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो T1 T2 इज ऑटोमॉर्फिज्म लिख सकते हो या स्वकारिता है, ऐसा आप एक बार लिख लेंगे, ठीक है, क्या है लिखेंगे, स्वकारिता है ऐसा लिखेंगे। अब यदि ये स्वकारिता है इसमें तो इससे हमको ये समझ में आता है कि T1 एंड T2 जो होगा वह जो होगा 11 एंड R2 होगा, क्या होगा, 11 एंड R2 होगा, 11 एंड R2 मतलब एक एक की आच्छादक होगा, क्या लिखोगे यहाँ पे, एक एक की आच्छादक, एक एक की और आच्छादक होगा दोस्तों, कहाँ क्या होगा यहाँ पे, एक एक की और आच्छादक होगा। अब एक एक ही आच्छादक होता है तो उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, संयोजन की, एक एक ही आच्छादक होगा या नहीं होगा उसकी बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आप सभी को एकदम ट्रिक के माध्यम से इसको एक बार अच्छे से समझा दूं दोस्तों कि एक एक ही आच्छादक किसी भी संयोजन में एक एक ही आच्छादक कब होता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यदि कोई ऐसा संयोजन दिया गया हो, एफ कंपोजिशन डी जी दिया गया हो दोस्तों, ठीक है, तो यह जो कंपोजिशन जो है वह क्या होता है, 11 होता है दोस्तों, 11 होता है, कब होता है,
तो उसके लिए आपको ट्रिक बताता हूं। आपको ये समझना है इसको एस इसको आई, आई मतलब इंजेक्टिव और इंजेक्टिव को वर्मल बोलते हैं, ठीक है। मतलब एफ कंपोजिशन जी जो है वर्मल तभी होगा जब जी वर्मल होगा। क्या वर्मल होगा? जी वर्मल होगा। शॉर्ट में याद रखें क्या होगा? जी वर्मल होगा तभी एफ कंपोजिशन जी जो है वर्मल होगा। समझ में आए? अच्छा, और एफ कंपोजिशन जी जो है आर टू कब होगा दोस्तों? तो एफ कंपोजिशन जी जो है आर टू तभी होगा जब हमारा एस आर टू होगा, मतलब एफ आर टू होगा, ये वाला जो एफ है वो आर टू होगा, मतलब एस मैंने लिखा मतलब सब्जेक्टिव, तो ये जो है वो आर टू होगा। कब होगा दोस्तों? जब एफ आर टू होगा तो एफ कंपोजिशन जी भी आर टू होगा। तो यहां से हम क्या बात करें, यदि मैं टी वन टी टू की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो टी वन टी टू जैसे मैं इसको कंपोजिशन के रूप में लूं या टी वन टी टू बस लिख दूं, तो इसमें वन वन एन टू होगा कि नहीं होगा उसके बारे में बात करूं। देखिए तो इसके लिए देखो ये वन वन कब होगा? जब टी वन टी टू जो है वन वन होगा। तो यहां से पता चल रहा है टी वन भी वन वन है और टी टू भी वन वन है, तो यहां से ये पता चल रहा है कि टी टू जो है वन वन है, इसलिए हमारा टी वन एंड टी टू जो है वन वन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज T1 जो है R2 भी तो है, T1 R2 है, इसलिए हम बोल देंगे ये भी R2 है, ठीक है, ये क्या है R2 है। अब दोनों जो है T1 T2 को मिला के देखा जाए तो T1 T2 जो है वन वन भी हो गया, एक जो है R2 भी हो गया। T1 T2 के वन वन होने से ये वन वन बन गया और T1 के R2 होने से ये R2 बन गया, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं T1 और T2 वन वन और R2 होगा, यानी कि और अच्छा तक होगा, तब इससे हम बोल सकते हैं कि T1 और T2 जो है वह भी एक एक ही आच्छादक होगा दोस्तों। ये क्या होगा? एक एक ही आच्छादक होगा या वन वन एंड टू होगा। समझ में आया? हाँ। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वन वन एंड टू तो प्रूव कर लिया हमने, लेकिन इसके अच्छा होमोमॉर्फिज्म के बारे में भी हम नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है स्वकारिता प्रूव करना है, किसको? उसके कंपोजिशन को स्वकारिता हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो T1 T2 को स्वकारिता प्रूव करने के लिए हमको और कुछ काम करना पड़ेगा, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा। अब होमोमॉर्फिज्म जब हम प्रूव कर लेंगे तब जाके ये T1 T2 जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप में बिलोंग करेगा। अब जैसे बिलोंग करेगा तब हम बोलेंगे कि यह जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं, स्वकारिता प्रूव करते हैं दोस्तों, ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। तो ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें आर टू प्रूव करना होगा, टी वन टी टू को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म हम प्रूव करने वाले हैं, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने वाले हैं टी वन टी टू एक्स वाई लेके चलेंगे और इसको अलग अलग हम लाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है कंपोजिशन है इसमें, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, T1 को ऐसे लिखिए और आप इसको अंदर आउट में रखिए, T1 और यहाँ पे हो जाएगा T2 एक्स वाई ऐसे लेके चलोगे। अब यहां से आप क्या लिखोगे, T1 और इसको देखिए T2 क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, और T2 ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब वो क्या होगा, खुद क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा उसमें, तो होमोमॉर्फिज्म होगा मतलब इसको अलग अलग किया जा सकता है, तो टी टू एक्स और टी टू वाई ऐसा किया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि टी टू इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म हिंदी इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको बोलेंगे हम समाकारिता है, समाकारिता है ऐसा इसलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे टी टू जो है समाकारिता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी टू एक्स वाई बराबर टी टू एक्स इंटू टी टू वाई ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा आया दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, तो इसके आगे जो है उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो ये जो टी वन है उसके बारे में, टी वन का एक एलिमेंट कौन है, टी टू एक्स है, और दूसरा एलिमेंट कौन है, टी टू वाई है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि टी वन भी तो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, क्यों, क्योंकि वो ऑटोमॉर्फिज्म है, तो वो ऑटोमॉर्फिज्म है, तो एक एलिमेंट इसके लिए ये हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट ये हो जाएगा। तो यहां से हम बोलेंगे T2, यहां पे T1 T2 x एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जो होगा T1 T2 y ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहां से हम लेके चल लिए, अब उसके बाद आगे देखिए T1 T2 फिर x हो गया, है ना, कंपोजिशन को जैसे हमने यहां पे डिफाइन किया था वैसे इसको बाहर ला लिए, फिर T1 T1 T2 y हो गया,
समझ में आए यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि टी वन इज होमोमोर्फिज्म या टी वन जो है स्वकारिता है, इसलिए ये आ गया दोस्तों। ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चल गया, ये होमोमोर्फिज्म भी है क्योंकि एक साथ लेके चलते हैं और अलग अलग हमने प्रोवाइड कर दिया ला लिया, इसलिए ये क्या बन गया, होमोमोर्फिज्म हमारा बन गया स्टूडेंट। ठीक, अब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि टी वन टी टू जो है केकी भी है, आच्छादक भी है और साथ में क्या है होमोमोर्फिज्म या क्या बोलते हैं समाकारिता और साथ ही समूह संयोजन को परिलक्षित रखता है, इसी को कहा जाता है। तो ये जो है द ग्रुप कंपोजिशन को क्या करता है, प्रिजर्व रखता है। तो इसलिए यहाँ पे यह जो है टी वन टी टू जो है वो क्या बन गया दोस्तों, टी वन टी टू बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, क्योंकि टी वन टी टू जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म बन गया, ऑटोमॉर्फिज्म मैपिंग बन गया, इसीलिए टी वन टी टू जो है ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप में बिलोंग करता है, ऐसा हमने कह दिया। ठीक है, समझ में आया, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जो है वह जो है संवरक नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ऐसा हम कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे, कौन से प्रॉपर्टी पे, दूसरे प्रॉपर्टी पे। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी कौन सा है स्टूडेंट, दूसरा हमारा प्रॉपर्टी होता है साहचर्य नियम। क्या लिखते हैं इसको, साहचर्य नियम लिखते हैं। तो साहचर्य नियम जो प्रॉपर्टी है उसको पढ़ा जाता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा जाता है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है। तो इस प्रॉपर्टी में हम क्या लिखते हैं, तीन मेंबर लेके चलते हैं, तीन मेंबर लेके चलते हैं और तीन मेंबर को हमको बताना होता है वो क्या है, साहचर्य नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मैं आप सबसे पहले आपको ये बता दूं दोस्तों कि कोई भी प्रतिचित्रण हम लेते हैं, कोई भी मैपिंग यदि हम लेते हैं, तो उन सारे मैपिंग के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। देखिए ये मैं क्या लिख रहा हूं उस पे आइए, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लास्ट में लिख लेना कंपोजिशन एच, ये जो प्रॉपर्टी है ऑलवेज सेटिस्फाई होता है। किसके लिए, किसी भी मैपिंग के लिए, किसी भी मैपिंग के लिए ये सेटिस्फाई होता है। मैपिंग मतलब प्रतिचित्रण के लिए ये सेटिस्फाई होता है, मतलब साहचर्य नियम किसी भी मैपिंग के लिए, किसी भी प्रतिचित्रण के लिए सेटिस्फाई होता है। तो हमारा ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या है दोस्तों, ये भी तो प्रतिचित्रण ही तो है, ये भी तो मैपिंग ही तो है, वन वन एंड टू मैपिंग है ये। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म है ये ऑलरेडी। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि हरेक है ना, हरेक मैपिंग के लिए सेटिस्फाई होता है, इसीलिए ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के लिए भी सेटिस्फाई होगा। तो ये आप ऐसे लिख लेंगे थ्योरी के रूप में, किस तरीके से कि हर एक मैपिंग के लिए या हर एक प्रतिचित्रण के लिए ये क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, संयोजन जो है सेटिस्फाई होता है, इसीलिए टी वन टी टू जो है वह होगा वो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जो होगा वह जो है वो क्या करेगा, साहचर्य नियम को ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां से हम लेके चलेंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी में हम देखते हैं तत्समक नियम। क्या नियम, तत्समक नियम। तो तत्समक नियम में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए तत्समक नियम की बात करें तो मैं बोलूंगा पहली बात आइडेंटिटी मैपिंग एक ऐसा स्वकारिता होता है जो कि तत्समक भी है और तत्समक का कार्य करता है यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई एक्स बराबर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए ऑलवेज सेटिस्फाई होता है और यह जो मैपिंग आई है वही जो है हमारा आइडेंटिटी लॉ को सेटिस्फाई करता है और आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, और यह जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ऑलवेज ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप में बिलोंग करता है दोस्तों। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में एक तो ऐसा मेंबर फिक्स है जो कि क्या है, क्या समक है या आइडेंटिटी मेंबर है। समझ में आए, ठीक। अब आते हैं लास्ट जो नियम है हमारे पास जो कि प्रतिलोम नियम है दोस्तों। क्या नियम है, प्रतिलोम नियम, उसमें आते हैं। देखिए हमारे पास जो नियम है लास्ट प्रतिलोम का नियम, प्रतिलोम का नियम, यह जो नियम है हम बोलते हैं इसको इनवर्स
प्रॉपर्टी, ठीक है, इसी ग्रुप की इनवर्स प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, एक तो हम बोलते हैं कि टी वन जो है ना, कोई भी टी लेके चल रहा है, ठीक है, कोई भी टी लेके चल रहा है, टी बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप लेके चल रहा है, ठीक है। अब यदि ये ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप है तो इस टी वन के लिए, इस टी के लिए हमको प्रूव करना है कि इस टी के लिए कोई भी टी इनवर्स जो है एक तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, क्या करना चाहिए, टी इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और वह जो टी इनवर्स है वह भी क्या होना चाहिए, वह भी क्या होना चाहिए, एक की आच्छादक और होमोमॉर्फिज्म मतलब स्वकारिता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक की आच्छादक और स्वकारिता होना चाहिए जो टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वह, ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए देखिए ये जो है टी बिलोंग करता है ऑटोमॉर्फिज्म जी का, जी में मेंबर है, इसका मतलब क्या होगा कि टी इज वन वन एंड ऑन टू, समझ गए आप सब, एक एक की और अच्छा, ठीक। देखिए टी जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, वह एक एक की भी है अच्छा है, ठीक। अब यदि वो एक एक की अच्छा तक है तो हम सभी जानते हैं कि यदि कोई भी मैपिंग एक एक की अच्छादक है तो उसका मतलब एक तो टी इनवर्स उसके लिए एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, मतलब एक मैपिंग ऐसा जरूर होगा जो कि क्या होगा, उसका प्रतिलोम होगा, मतलब हमको यही बताना है कि यदि एक एक की अच्छादक होता है तो ही टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यहां पर फिक्स हो गया। तो यहां पर हम बोल देंगे टी इनवर्स एग्जिस्ट सच दैट जी से जी इज वन वन एंड ऑन टू, क्या होगा, वन वन एंड ऑन टू, मतलब टी इनवर्स भी क्या होगा, एक एक ही अचानक है ना, इसीलिए ये एग्जिस्ट होता है और ये भी एक एक ही अचानक ही होगा, मतलब वन वन एंड टू होगा, ठीक है। अब देखिए कैसा, किस टाइप का होगा, तो किस टाइप का, सच दैट, यहां पे आते हैं सच दैट, किस टाइप का होगा, तो ये इस टाइप का होगा, टी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कुछ यहां पे एक्स डे सो, टी इनवर्स वाई इज इक्वल टू यहां पे वाई डे सो, समझ गए ऐसे हो। अब यहां से देखिए टी इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो ये टी इनवर्स इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा एक्स और इधर हो जाएगा टी ए ऑफ एक्स डे, यहां पे हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में यहां पे y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास t ऑफ y डेज, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा t ऑफ y डेज, ठीक। चलिए अब हमको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, हमको प्रूव, हमारे पास t इनवर्स है, उस t इनवर्स को एक एक ही अच्छा तो हमने प्रूव कर लिया, हमको प्रूव करना है होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, हमको प्रूव करना है कि t इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म, और यदि इसको हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये स्वकारिता बन जाएगा और टी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप में, ये सब प्रूव कर देंगे और उसके बाद हमारा मेन भी जो हमको चाहिए वो प्रूफ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, टी इनवर्स को होमोमॉर्फिज्म हम प्रूव करने वाले हैं, कैसे प्रूव करेंगे, तो तीनों पहले लेंगे टी इनवर्स ऑफ, टी इनवर्स ऑफ एक्स वाई ऐसे लेके चलेंगे, एक्स वाई लेके चलेंगे, अब उसको हम लाएंगे प्रूव करेंगे तो टी इनवर्स एक्स अलग होना चाहिए और टी इनवर्स वाई अलग होना चाहिए, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ऐसा लाएंगे, समझ गए। चलिए अब समझते हैं एक्स क्या है, देखिए एक्स क्या है यहां से, समझ गए, तो एक्स क्या है यहाँ पे टी एक्स डेक्स है, अब रखिए यहाँ पे, एक तो पहले टी इनवर्स ऐसे लिख लीजिए और टी एक्स का जो मान है वो हम टी एक्स डेक्स लिखेंगे, वाई क्या है यहाँ पे, वाई क्या है हमारे पास टी वाई डेक्स है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। अब यहां से क्या होगा, देखो टी जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म तो है क्योंकि हमको पता है टी जो है होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन टी नो के बारे में बनी नहीं पता, लेकिन इसके बारे में तो पता है हमको कि टी इज होमोमॉर्फिज्म, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टी एक्स डेस वाई डेस एक साथ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इट इज अ ऑटोमॉर्फिज्म, देन इट इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है।
सो ये मिलेगा हमको। अब हम सभी जानते हैं कि हमको प्रतिलोम है, प्रतिलोम के लिए इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग तो पता चल गया है, और आइडेंटिटी मैपिंग कौन होता है? आई होता है। तो टी और टी इनवर्स क्या होगा? वही तो आई होगा। या टी इनवर्स टी क्या होगा? वही तो आई होगा। तभी तो हमने एग्जिस्ट कर चुका है, तीसरे में क्या किया है हमने, आई एग्जिस्ट कर लिया है। तो आई एग्जिस्ट कैसे आया होगा? तो टी और टी इनवर्स का हम लोग कंपोजिशन किए होंगे तभी तो आई आया होगा, या टी इनवर्स टी का कंपोजिशन किए हैं तभी तो आई आया है। तो इसलिए हम बोलेंगे इन दोनों को एक साथ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा टी इनवर्स टी एक्स एस फाइव। ये हो गया दोस्तों। अब ये क्या बन जाएगा? अब आई बन जाएगा इस प्रॉपर्टी से, तो इसको हम आई बनाएंगे। ये लीजिए आई बन गया, ये हो गया हमारा आई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? देखिए आई का मैपिंग का मतलब क्या होता है, आई आइडेंटिटी का मैपिंग का मतलब क्या होता है, आई ऑफ एक्स कोई भी एक्स लिख लो, आप कोई भी एक्स लिख लो, उन हर एक एक्स के लिए सेम मैपिंग देता है। और यहाँ पे एक्स लेना क्या है, एक्स डैश वाई डैश, तो इसका मैपिंग क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा, सेम मैपिंग आएगा। और एक्स डैश का मान क्या है, यहां से देखिए एक्स डैश का मान क्या है हमारे पास, टी इनवर्स एक्स है। y डैश का मान क्या है हमारे पास, t इनवर्स y है। और यही तो हमको चाहिए था, क्या चाहिए था कि t इनवर्स को हमको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना था। और ये देखिए हमने एक साथ लेके चला था और यहाँ अलग अलग आ गया। अब अलग अलग आया तो हमको प्रूव करना था कि t इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हमको तो इसके बाद प्रूफ हो गया कि t इनवर्स जो है बिलोंग करता है होमोमॉर्फिज्म ऑफ प्रूफ t में, ठीक है। तो इसमें बिलोंग किया तो हमारे पास कितने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए दोस्तों, कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जो था वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। कौन कौन से प्रॉपर्टी, संवरक, साहचर्य और आइडेंटिटी जिसको दशमा बोलेंगे, है ना, फिर पढ़े हम लोग इनवर्स या प्रतिलोम, ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। इसीलिए ये जो ग्रुप है वह क्या हो गया हमारे पास, एक ग्रुप कंप्लीटली बना लिया, ठीक है। ये जो सेट था पहले वह जो है वो ग्रुप बना लिया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको प्रूफ में कहीं कहीं आपको 5 नंबर में पूछ दिया जाता है ना, तो आप इसको अच्छे से करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करके रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को यदि मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, और साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले मेरे नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यदि आप सारे मेरे सारे वीडियो को देखना चाहते हो जो कि बीएससी फाइनल ईयर से रिलेटेड आने वाले सारे वीडियो को यदि आप देखना चाहेंगे दोस्तों तो प्लीज रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म रख दिया दोस्तों, वहां से आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट।